बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह के मज़ेदार से सीख कबाब अगर आपको अच्छे लगे बनाना, हरे भरे सीख कबाब, तो आइए देखते हैं ये कैसे हैं और कितने मज़े के हैं। ये मैं हटाती हूँ इसमें से मिंट लीव्स को और आपको दिखाती हूँ। ये देखें, ये देखें, ये बहुत हॉट हो रहे हैं। ये देखें, ओ माई गॉड, ये हरे भरे सीख कबाब आप देखें और बहुत ही यमी हैं, बहुत ही प्यारे हैं। आए रेसिपी को पूरा फॉलो करते हैं और देखते हैं। चलें, आज मैं हरे भरे कबाब बनाने के लिए जा रही थी सीख के, ठीक है, वो देख लीजिए आप। बहुत आसानी से बताने के लिए जा रही हूँ। ये आप तकरीबन 3 पाव के बराबर बोनलेस ले लीजिएगा अपनी चिकन का, ठीक है। ये डालिए इसमें, बहुत फटाफट से फौरन के साथ बनाने के लिए जा रही हूँ। अच्छा, आप कोई भी सीख कबाब मसाला ले लीजिए, ठीक है, वो पूरा आप इसमें ड्रॉप कर दीजिए। सीख कबाब मसाला डाल दीजिए क्योंकि ये फटाफट से वाले हैं, फौरन के साथ बन जाने वाले हैं, ठीक है। तो ये मैं बता रही हूँ आपको, ठीक है, ये डाल दिया इसमें, ठीक है। और अब इसको चॉप करती हूँ, फिर बताती हूँ आगे क्या किया था मैंने, ठीक है। चॉप करते हैं बस, ठीक है, फौरन से बनेंगे। यूं 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 मेहमान आ भी जाए तो यूं बना के दे दें, आ जाए। चलिए मैं चॉप करती हूँ इसको पूरा, फिर दिखाती हूँ आपको, फिर आगे क्या करना है वो भी बताती हूँ, ठीक है। ये हो गया था, अब इसको क्या करेंगे, यहां से निकालेंगे अराउंड से स्पून से। अच्छा, ये अब इसको आराम से निकालिएगा थोड़ा सा, क्योंकि ब्लेड है ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ठीक है। अब क्या करना है, पिसकर आ चुके हैं, ठीक है, इस शेप के। कैसे होने चाहिए उठाने में, एकदम यूं, ठीक है, एकदम यूं, बिल्कुल मक्खन और मलाई, ठीक है। अच्छा, तेल ले लिया 2 चम्मच के करीब, ये डाल लिया यूं करके। अच्छा, अब ये जो चीज़ आपको समझानी वो ये, 2 चम्मच के करीब हमने क्या लिया है, हमने लिया अदरक लहसुन का पेस्ट। जो चीज़ आपको समझानी है वो ये है, ये देखें, इसको अच्छी तरह निचोड़ लें, इसका पानी निकाल लें अदरक लहसुन का, ठीक है। दूसरे हाथ से लेंगे, जब एक हाथ की ग्रिप होने लगे, कम होने लगे, तो दूसरे हाथ को समझ कीजिए। फिर ये इस हाथ को लीजिए, क्योंकि ये मुट्ठी है, मुट्ठी जब बंद होती है तो ग्रिप भी ख़त्म होती है। फिर अब ये लीजिए, ये मुझसे तो निचोड़ ही नहीं रहा, अभी निचोड़ जाए यार, ये लो, ठीक है। अच्छा, मेन चीज़ अब यहाँ से शुरू होती है, ये इतना पानी निकला, अगर इतना पानी हमारे उसमें पड़ जाता तो ये पानी पानी हो जाता है कबाब और मज़ा नहीं आता। शिमला मिर्च पूरी 1 अदद जाएगी, ठीक है, लेकिन उससे पहले क्या जाएगा, उससे पहले एक अंडा जाएगा। लेकिन अंडे को क्या करेंगे, पहले यहाँ रख के तोड़ के देख लेते हैं, कहीं अंडा खूबसूरत है तो वो डालेंगे, और अगर अंडा अंडा है तो छोड़ देंगे, ठीक है। ये एक अंडा, ये बहुत खूबसूरत निकला है इसलिए डाल देंगे, ठीक है। अच्छा, अब क्या करना है, अभी इसको मिक्स करना है, पहले मिक्स कर लेते हैं ताकि कोई भी वो अंडे को रहे ना मीट हमारा, ठीक है। अच्छा, मैंने क्या लिया था, मैंने 1 पैकेट सीख कबाब का लिया था, ठीक है। आप कोई सा भी अपनी मनपसंद सीख कबाब ले लीजिएगा। आप लोग कहते हैं कि आप जो वीडियो बनाती हैं हमें नॉलेज आती है, हमें मज़ा आता है उसमें, तो अच्छा देखिए, ये शिमला मिर्च 1 ले लीजिएगा अच्छी सी, बस ये आपकी ज़रा नवाजिश है कि आप पसंद फरमाते हैं। अच्छा, ये टमाटर है, सीडलेस टमाटर है, सीडलेस कर लिए थे इनको, ये देखें, ये डालेंगे, ठीक है। प्याज को भी एक दफ़ा यूं ही कर लें, ठीक है, मुट्ठी में दबा लें, ये पूरा इसमें आ जाएगा, ठीक। अब क्या करेंगे, इसको यूं, ये देखें, फोकस लीजिए आप, इसको यूं, मतलब वही डिब्बों के पैकेट से घुमा फिरा के ऐसी रेसिपी तैयार कर देते हैं कि आपको पसंद आ जाती है। ये बस ज़रा नवाजिश है आपकी कि आप लोग मेरी रेसिपीज डिब्बों वाली भी इतनी शौक से पसंद कर रहे हैं कि बहुत अच्छा लगता है, मुझे बहुत खुशी होती है। अल्लाह सलामत रखे, आबाद रखे, कोई गम ना दे, हमेशा फूले पने शादो आबाद रहें। इतना मेरा आप दिल खुश करते हैं, इतना खुशी वाले कमेंट्स देते हैं, अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। चलिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब क्या करना है, थोड़ी सी एक प्लेट में पानी लेना है, पानी में अपने हाथों को यूं करना है हल्के से, ठीक है। फिर ये लेना है, यूं करना है, यूं करना है, यूं करना है। चाहे तो आप इसको सीख पे भी कर सकती हैं, लेकिन मुझे और सामान भी बनाना है अभी इसी के साथ, आता रहेगा वीडियो आपको मेरा, ठीक है। मैं इसी तरह बनाती हूँ ये वाले ईद वाले, और बहुत मज़े से सब लोग खाते हैं, बहुत अच्छा लगता है सबको और काफ़ी पसंद आते हैं। ये देखें, आए मैं फ्रैंक की तरफ लेकर चलती हूँ अब आपको डायरेक्ट, आए, ठीक है। ये डाल दिया, दूसरा लेकर आ रही हूँ मैं, होते जाएंगे, उतारती जाऊँगी, ठीक है। ये आप देखते रहें, बहुत मज़े के होते हैं, बहुत मज़े के होते हैं, ब्रेड के साथ, पराठे के साथ, हमने तो पराठे बनाए हुए हैं इसके साथ, बहुत मज़े के होते हैं, मतलब
है ईद का खाना बहुत मजे का भी हो जाता है, अच्छा भी हो जाता है, ठीक है। आप किसी ओकेजन में भी बना सकते हैं, ठीक है। मैं सारे तरीके और फिर दिखाती हूँ आपको। देखिए इस तरह के आए हैं, ठीक है। इनकी रौनक, इनकी खूबसूरती इस तरह से, ठीक है। कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, बस डाल के छोड़ना है और जैसे ही हो जाए वैसे ही करवट दिला देनी है। यूं यूं हल्के से, यूं हल्के से, यूं ठीक है, हल्के से यूं, जो साइड नहीं हो उसको यूं कर लीजिएगा हल्के से। ये यूं अपने हिसाब से, जैसा आपके घर वाले रंग इसका डार्क रंग कलर लाइक करते हैं, जिस तरह का गोल्डन आपकी घर वाली खाते हैं ना, बस उस तरह का कर लीजिएगा। परफेक्ट है, तलना हर एक को आता है। अंदाज मेरा था, आपने कहा था बता दिया करें, बहुत अच्छा लगता है आपकी रेसिपी। आई लव यू यार, आपकी ये बातें मेरी दिल जीत लेती। अच्छा, इसके साथ मैंने बना रही हूँ अचारी बिरयानी। अच्छा, शान के पैकेट से बनाऊंगी अचारी बिरयानी, वो भी आप देख लीजिएगा, वो भी मेरी डली हुई अचारी बिरयानी शान के पैकेट से मैंने बनाई थी, बहुत जल्दी बनी थी, इसके साथ वो बना ली है मैंने, ठीक है। अच्छा चलिए उतारती हूँ और फिर दिखाती हूँ, जरूर देखिएगा, अच्छी लगेगी आपको। चलिए ये मेरा लुक आया है और इस तरह के ये आए हैं। अच्छा, लेमन का जूस जो है मैंने निकाल के रखा था पहले से, हल्का 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 इसके ऊपर यूँ डालेंगे, ठीक है ठीक है। अच्छा अब मैं इसको अंदर से दिखाती हूँ कैसा आया, क्योंकि बहुत हॉट हो रहे हैं अभी। ये देखें, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ये देखें, ये बहुत गर्म है, ये देखें, ओ माय गॉड, ये देखें हरे भरे, ओ माय गॉड। अब इसको केचप में डिप करेंगे, इसको इसमें डिप करेंगे क्योंकि बहुत गर्म हो रहा है, ठीक है। और ये देखिए इस तरह का बनेगा, ये हॉट हो रहा है, किसी के मुंह में नहीं दे सकती इस वक्त क्योंकि बहुत गर्म हो रहा है, ठीक है। तो ये मेरा लुक आया है, बहुत मज़े के हैं, बहुत शानदार हैं, तो ठीक है। अल्लाह हाफिज, यू नेक्स्ट टाइम इन नेक्स्ट वीडियो, अस्सलाम वालेकुम। लेकिन ये तो देखते जाएंगे, देखिए ये देखिए हर तरफ से कितने रोस्टेड हैं, ये देखिए ये देखिए ये देखिए, बहुत मज़े के होते हैं। अच्छा, इसके साथ अचारी बिरयानी का लिंक मैं दे रही हूँ, वो ज़रूर देखिएगा, वो बनाइए, ठीक है। आ जाए, अब उसकी तैयारी की तरफ जा रही हूँ, तो डालने का क्या फ़ायदा, मैं तो पहले ही डाल चुकी हूँ, ठीक है। अच्छा, और आने वाली रेसिपीज़ आने वाली हैं, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मैं डालती जाऊँगी, जो जो मैंने बनाया ना वो मैं अभी डालना शुरू कर दूँगी बस।